असल मैं यूट्यूब फैमिली कैसे हैं आप सब उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे वेलकम टू माई अनदर वीडियो आज की वीडियो का जो टाइटल है वो वीडियो के टॉपिक से समझ गए होंगे सो so, वैसे तो मुझे यूके में पहले मैंने सोचा था कि दो मंथ का मैं आपको रिव्यू दूँ मेरे दो मंथ के यूके के अंदर कैसे गुजरे हैं बट वो उस इसी वीडियो में कवर कर दूंगा बेसिकली ये वीडियो बनाने का मकसद है कि एज अ स्टूडेंट मेरा यहाँ पे या जो स्टूडेंट होता है वो यहाँ पे उनके कितने एक्सपेंस होते हैं तो जो वीक मंथली एक्सपेंस है तो उसका उसको मैं डिस्कस करूंगा कि जो मेरा मंथली एक्सपेंस है वो कितना है और जॉब कितनी है और मेरी सेविंग है या नहीं है फीस निकल जाती है कि नहीं निकल जाती तो ये तो फीस तो अभी फिलहाल बहुत दूर की बात है लेकिन फिलहाल जो मंथली एक्सपेंस है वो आपका कितना हो सकता है ये वीडियो को इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा तो वीडियो स्टार्ट करते हैं डिटेल में तो आ, सबसे पहले जो जब मैंने इस वीडियो को चार पॉइंट्स में डिवाइड किया है चार पॉइंट्स को मैं वन बाय वन एक्सप्लेन करूंगा जिसके अंदर सबसे पहले अकोमोडेशन है फिर ट्रेवल एक्सपेंस है फिर आपका फूड और फिर मिसलिनियस आ जाता है आपका तो आ, सबसे पहले जो आपका मेन जो सबसे बड़ा खर्चा होता है वो होता है आपकी अकोमोडेशन तो जब मेरी अकोमोडेशन है वो तो मेरी लोकेशन के हिसाब से मैं सेंट्रल लंडन में रह रहा हूँ उस हिसाब से तो बहुत ज़्यादा चीप है मुझे 300 के अंदर कमरा मिला हुआ है शेयरिंग के अंदर तो ये अगर वैसे तो जहाँ पे मैं रह रहा हूँ वहाँ पे रूम शेयरिंग में जो है चार साढ़े चार सौ का है बट मुझे थ्री में मिला हुआ ये मेरी गुड लक कह लें कि तीन में मुझे रूम मिला हुआ इंक्लूडिंग बिल्स क्योंकि बिल मुझे बिल नहीं पे करना कुछ होता है जो तो कहते हैं कि जी आप तीन सौ ले लें बाकी आपके बिल्स जो हैं वो लैदा होंगे तो जो मेरे पास अकोमोडेशन है वो थ्री हंड्रेड में है इंक्लूडिंग बिल्स है घर के अंदर लॉन्ड्री है घर के अंदर ही सारा कुछ है हीटिंग है घर के अंदर गैस है पानी है जो नॉर्मल होता है लेकिन कुछ जगह पे ऐसी अकोमोडेशन होती हैं जब मैं अकोमोडेशन रहा था कि वो आपको अलाउ नहीं करते आपने किचन नहीं यूज़ करना किसी एकोमोडेशन के अंदर लॉन्ड्री नहीं होती किसी एकोमोडेशन के अंदर हीटिंग नहीं होती वो कहते हैं कि जी आपने अगर कमरे में हीटिंग चाहिए तो आप अपना हीटर रखें तो मेरी अकोमोडेशन अलहमदुल्लामिल्ला बहुत ज़्यादा अच्छी लोकेशन पे है मेरी अकोमोडेशन अलहमदिल्ला बहुत ज़्यादा अच्छी है मेरे जो ऑनर है वो बहुत ज़्यादा अच्छे हैं ये पिछले चार पाँच दिनों से हमारी जो हीटिंग का मसला बना हुआ है तो वो लेकिन वो बहुत ज़्यादा कॉपरेटिव है हमारे साथ बहुत कॉपरेट कर रहे हैं वो लोग हमसे तो अकोमोडेशन का थ्री हंड्रेड तो ये आपका हो गया साइड पर अगर एवरेज देखा जाए तो आप थ्री फिफ्टी जेन में रखें अकोमोडेशन थ्री फिफ्टी की है अकोमोडेशन के बाद आपका ट्रैवल एक्सपेंस इसके अंदर भी मुझे मैं अपने आप को गुड लक समझता हूँ कि जो मेरी जॉब है वो मेरे घर से तीन मिनट की वॉक है तीन से चार मिनट की वॉक है तो मेरा जो ट्रैवल एक्सपेंस है जॉब के लिए वो आता ही नहीं है एक मेरा ट्रैवल एक्सपेंस बच जाता है एक मेरा टाइम बच जाता है मैंने घर से अगर मेरी पांच बजे शिफ्ट है तो मैं चार बज के पचास मिनट निकलता हूँ चार बज के पचपन मिनट पर पहुंच जाता हूँ पांच बजे अपना काम स्टार्ट कर देता हूँ दस बजे शिफ्ट ऑफ होती है दस बजे शिफ्ट से आता हूँ दस बजे दस मिनट पे मैं घर घा, मैं घर आ जाता हूँ तो मेरा ट्रैवल एक्सपेंस बहुत ज़्यादा लेस है मेरी वीक में दो दिन यूनिवर्सिटी है तो मैं बस में जाता हूँ वन पॉइंट सिक्स फाइव मतलब आप कह लें कि तीन साढ़े तीन रुपये एक दिन का किराया और दो दिन का सात और सात पाउंड मेरा किराया लगता है अगर मैं सिर्फ यूनिवर्सिटी जाऊँ और जॉब पर जाऊँ अगर मुझे आगे भी चाहिए जाना हो तो फिर ट्रैवल एक्सपेंस आप कह लें ज़्यादा है तो मेरा जो ट्रैवल एक्सपेंस है वो अगर आप एक दिन का देखा जाए तो सात सात और दो ए, एक वीक का देखा जाए तो चौदह और चौदह को जर चौदह को चार के साथ कर लें तो आई थिंक कोई इत, बहुत बहुत कम बनता है इतना ज्यादा नहीं बनता मेरा मैथ इतना अच्छा नहीं है मेरी कैलकुलेशन इतनी अच्छी नहीं है तो मैं आपको बता नहीं सकता कि कितना टोटल बनता है तो मेरा जो ट्रैवल एक्सपेंस है वो बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा चीप है इसका मुझे बहुत ज्यादा फायदा होता है लेकिन अगर ऑस्टर भी बनवाया पास बनवा तो लेता हूँ सोलह पाउंड का बस का तो मैं पूरे यूके के अंदर लंडन के अंदर एक बस में जहां मर्जी जिस मर्जी टाइम जितना मर्जी टाइम मैं ट्रैवल कर सकता हूं तो अगर वो वीक का सोलह है तो सोलह को आप चार पे कर लें तो वो पता चल जाएगा कि आपका पचास साठ सत्तर पाउंड आपका ट्रैवल एक्सपेंस है इसके बाद आपका आ जाता है फूड का फूड जो था मैंने और आतिफ भाई ने जो मेरे रूममेट हमने दोनों ने कहा था कि आज जो होगा हम आपस में कर लेंगे तो हम दो बंदे थे तो जो हमारा फरवरी का फूड का जो था वो एक्सपेंस था वो ए, फोर्टी पर, पाउंड लगा ईच पर्सन हम तो एटी पाउंड हमारा टोटल लगा और एक बंदे को चालीस पाउंड लगे लेकिन इसके अंदर हमने खाया इतना कोई लग्जरी खाने नहीं खाए हमने ये लिमिटेड सी चीजें खाई आलू के ले लिए पोटैटोस ले लिए राइस हो गए वाइट चने हो गए और ए, मतलब नाश्ता तो हमारा अच्छा ब्रेड अंडा और दूध शूध वगैरह चाय शाय वगैरह लेकिन इतना जिसे कहते हैं एक अच्छा आपका फूड था वो नहीं था बट ये भी इतना बुरा भी नहीं था हाँ पेट भर के खाना खाते थे तो अगर आप अच्छा भी जाएं तो साठ पाउंड आई थिंक सो एक बंदे के हिस्से में आ सकते हैं लेकिन हम थोड़ा सा मिडिल में थे तो हमारा एक बंदे को चालीस चालीस पाउंड लगे खाने के अंदर तीन सौ का किराया लगा ए तीन सो का मेरा वो हो गया क्या कहते हैं आ, ए, का दस बीस या बीस या फिर पचास बीस चालीस भी लगा लें मेरा ट्रैवल एक्सपेंस हो गया चालीस मेरा आप लगा लें आप क्या कहते हैं मेरा फूड का लगा लें और इसके अलावा जो चौथा पॉइंट मिसलिनियस में मिसलिनियस में मैंने रख दिया अपना मोबाइल का मेरा जो मोबाइल का कॉन्ट्रैक्ट है वो सोलह पाउंड का है अनलिमिटेड है मेरा सारा मेरा थ्री का कॉन्ट्रैक्ट है जिसमें मैंने अनलिमिटेड मेरी सारी चीज़ें हैं इंटरनेट हर चीज़ अनलिमिटेड है और इसके अलावा अगर आपका कोई चीज़ चाहिए और सब मेरा मोबाइल का चार्जर ख़राब हो गया था आपको लैपटॉप का मुझे प्लग चाहिए था मिसलिनियस डालें अगर आप पचास भी पचास पाउंड भी डाल लें पचास बहुत ज्यादा है मेरे ख्याल से पचास पाउंड मिसलिनियस के लिए बहुत ज्यादा अगर आप तीस पॉइंट भी डाल लें मिसलिनियस के लिए जो होते नहीं है जो बहुत कम होते हैं आपकी जरूरत पे पड़ता है कि यार आपको ये चीज़ चाहिए या नहीं चाहिए लेकिन जब आप काम करते हो तो आपको जरूरत पड़ जाती है कि यार आउट ऑफ वर्क में जाके कि यार ये चीज चाहिए मुझे तो वो आपको मिसलिनियस में डाल देते हैं तो 301 हो गया 40 40 80 और 30 uh, 110 और 300 410 अगर आप 410 ये मैंने अपने हिसाब से लगाया है अगर आप एवरेज भी लगाएं साढ़े चार सौ भी लगाएँ एक बंदे का तो साढ़े चार सौ बहुत अच्छा है एन पे आपको अगर नाइन पॉइंट फाइव भी मिलता है तो मिनिमम रेट जो है एन का उस उसमें आप मिनिमम जो एन पे अर्न करते हैं वो आप कर लेते हैं आठ सौ साढ़े सात सौ आठ सौ कर लेते हैं अगर आप साढ़े चार सौ पाँच सौ भी अन अपना खर्चा करते हैं ट्रैवल खाना पीना आना जाना घूमना छूना पाँच में तो आप बहुत अच्छा लाइफ गुजार सकते हैं फिर भी आपका दो पाउंड आपकी सेविंग होती है तो ये जो ए, आप अपनी ए, उसके बाद हमारा जनवरी डेक है तो अब दो महीने बाद हमें समर आ जाएगा चार महीने हमारे पास फुल वर्क होंगे तो चार महीने में हमारे पास जितने भी जनवरी डे के स्टूडेंट हैं उनके पास एक गोल्डन मौका होगा गोल्डन चांस होगा कि हम सब अपनी फीस मैनेज करें और फुल वर्क काम करके आप अपनी फीस इजीली इजीली मैनेज कर सकते हैं और अगर आप अपना थोड़ा सा हाथ खींच के भी रखें जहां पे आपके 250 पाउंड बचा रहे हैं अगर वहाँ पे आप तीन साढ़े तीन सौ भी आप 400 पाउंड भी बचा सकते हैं 400 का खर्चा रखें साढ़े चार और 400 सौ आप

अलहमदुल्ल टू फोर्टी टू फोर्टी फाइव मतलब मिनिमम तो मैंने दोस्त टू ट्वेंटी टू तो वन करना ही है मिनिमम तो मिनिमम टू ट्वेंटी से ऊपर ही मुझे आएगा टू थर्टी टू फोर्टी टू फिफ्टी और मैक्सिमम टू सेवेंटी तक मैं जा सकता हूँ तो ये मेरे ऊपर डिपेंड करता है कि मैं कितना काम करता हूँ और uh, कितनी अर्निंग करता हूँ तो मेरी जो भी अलहमद अच्छी है तो uh, ये था सारा टोटल एक महीने का एक्सपेंस मैं उम्मीद करूंगा आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी और अगर कोई भी क्यूरी हो अगर आपने खुद अप्लाई करना हो अगर आप अप्लाई करना चाहते हो अगर आप सबसे पहले आप खुद अपलाई करें अगर नहीं होता है मेरे थ्रू अप्लाई करना चाहते हैं तो आप मुझे इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप पे ई मेल पे कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं मुझसे राबा कर सकते हैं मैं आपको जहाँ तक हो सकेगा आपकी हेल्प करूँगा अगर आप चैनल पे न्यू हैं चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आप चैनल पे पुराने हैं और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो भी चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा